तो इसको मिल रहा है पैसा, भंगार वाला का पैसा। और अभी निकलेगा 2-4 दिन में, जल्दी आ। अब थोड़ा अच्छा लगने लगा दोस्तों, पहले तो स्कूटी नहीं आता था, बस स्कूटी धीरे धीरे आने लगा है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आप लोग का फिर से मेरे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी सुबह हो चुकी है, अभी इस टाइम जो हो रहा है वो 6:30 बज रहा है। अभी देखिए ज्योति अब यहाँ पे दे रही है चिड़िया के लिए दाना, देख सकते हैं। और ये हर टाइम ये 1 सप्ताह से ऐसे कर रही है दोस्तों, जब से पीतर पक्ष आया है। नहीं, अब मैं हमेशा करूंगी बाबू, हम लोग बड़े लोग को नहीं खिला सकते तो चिड़िया लोग को तो खिला दे। वाह वाह, क्या सोच है रे तेरी। तो देखिए दोस्तों, ये जितना भी छत का जो रेलिंग होता है ना, उस पे चिड़िया के लिए खाना रख देती है, ये देखिए। और ये अभी पानी को गर्म करके लाई है ज्योति, अभी मेरे लिए पानी गर्म करके लाई है, और ये अपने लिए ये काढ़ा तैयार करके लाई है। तो देखिए दोस्तों, अभी जो हम कल मेरा काम छूट गया था, वो आज काम हम करेंगे। देखिए ऊपर से दिखाते हैं, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये जितना फूल फाल है ना, इसको हमको काट के हटाना है दोस्तों। वो जंगल हो गया, ये जंगल हो गया चुका था, कल आधा ही काम हुआ था, अभी आधा काम बाकी है। इधर तो फूल रहने देना है ना, एकदम लास्ट को छोड़ देना। इधर फूल रहने देना है क्योंकि नवरात्रि वरात्रि में काम आएगा दोस्तों ये फूल को। तो दोस्तों हम गर्म पानी पी लेते हैं, और पीने के बाद हम ब्रश ब्रश व्रश करते हैं। ब्रश करने के बाद हम चले जाएंगे अपने वहाँ काम पे, रोड पे मतलब बोले तो, क्योंकि आज तो मुंशी जी आए हैं, स्टाफ आए हैं। जब स्टाफ नहीं रहता तब मुझे जाना पड़ता है, और आज तो मुझे कलेक्शन करने बाहर भी जाना है, मतलब पैसा वैसा का तगादा करने। तो इसलिए आज तगादा, पता है किसको बोलते हैं? तगादा नहीं पता तगादा मतलब जाके बोलना कि पैसा निकाल। इसको, तगादा नहीं बोलते, तगादा बोलते हैं जब पैसा बाकी रहता है उसको इकट्ठा करना, जाके बोलना कि लाओ मेरा पैसा इतना बाकी है, इतना नहीं, समझी? इसको बोलते तगादा। तुम लोग के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? वसूली। हाँ वसूली। वसूली मुंबई का लैंग्वेज है। यूपी और यूपी का लैंग्वेज? में क्या बोलते हैं पता नहीं, यूपी का नहीं पता है, यूपी की नहीं पता है? वाह। मुंबई में पता है वसूली। इसको ना रात को इतना ठंडा लग रहा था दोस्तों कि पूछिए मत। हम लोग मुझे लोग गर्मी लग रहा था रात को। इसको चर्बी, पता नहीं कौन सा चर्बी है। मुझे चर्बी हो गया, ठंडा में गर्मी लगता है। मुझे ठंडा ही लगता है, मेरे से ज्यादा गर्मी किसी को लगता ही नहीं, लेकिन अब ठंडा का मौसम है तो ठंड लग रहा है। हर तरह नहीं, ठंडा में गर्मी लगी। तो रोटी नहा रही है, एक रोटी दे दे तो कौवा लोग को दे दूं। कौवा अब देखिए दोस्तों, ये कौवा के लिए भी खाना मांगा रहे हैं। का मुंह बड़ा रहता है ना, तो चावल नहीं उठा पाते हैं। यही तुम्हारा क्या क्या बस चलेगा, तो पूरा घर बेच बाच के चिड़िया उड़िया के खिला दे। देखते हैं ना दोस्तों। अभी फसल तैयार नहीं हुआ है ना, दो लोग भूखे ही रहते हैं। अच्छा भी करती है दोस्तों, अभी फसल वसल तो तैयार हुआ नहीं। देखिए सोनिया अभी नीचे से रोटी लेके आई है, अभी रोटी के भी देखिए ऐसे के कौवा के लिए कैसे देगी। जो हम लोग जाते हैं ना, तो पूरा चिड़िया ऊपर छत्ता पे आ जाती है। देखिए एक एक दाना कैसे दे रही है रोटी को। ये दोस्तों ऊपर चिड़िया कितना डगमगा रहे हैं ऊपर। क्या बोलते हैं उसको? मंडरा रही है। देखिए हम डगमगाना बोल रहे हैं। डगमगाना का मतलब क्या होता है? अब देख एक कौवा यहाँ पे वेट कर रहा है। देख देखिए ये कौवा को ना, कौवा देखिए, कौवा एकदम ध्यान से सुन रहा है, और जैसे हम जाएंगे ना वैसे ही छत्ता पे आ जाएगा दोस्तों ये रोटी छोटी खाने के लिए। देखिए अभी उड़ गया हम लोग को देख के। हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे गर्म पानी जो है हल्का ठंडा हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं ये गर्म पानी है। अब हम इसको पी लेते हैं, और पीने के बाद हम ब्रश करते हैं। ब्रश करने के बाद हम चलते हैं दोस्तों अपना वहाँ मार्केट में, और मार्केट में जाने के बाद हम आपसे मिलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ज्योति अपना काढ़ा अपने गिलास में ले रही है, ये ब्रश को ऐसे छोड़ दिए। ये कितना गंदा काढ़ा दिखता है दोस्तों, ये बहुत सारा जड़ी बूटी है, ये जड़ी बूटी है पूरा। देखिए दोस्तों, अभी सोनिया आई है अभी पूजा करने के लिए।
देखिए जल चढ़ाने के लिए, पीपल है ना इसके। इधर देखिए जाके जल चढ़ा रही है पीपल का। देखिए किस तरह से जल चढ़ा रही है। ये दोस्तों ये आए हैं केवाड़ी वाला, ये पूरा बेच रही है सारा सामान घर का, घर का सारा सामान नहीं भरमार भंगार बेच रही है। घर का सारा सामान में देंगे तो कंगाल हो जाएंगे, इतना काम करने। देखिए कितना सारा सामान अभी हुआ है इकट्ठा, यहाँ पे सभी साफ जोड़ रही है। 7 किलो 5 रुपया बस इतना ही। उसका कितना था? 5 किलो 3 रुपए वाला, 15 रुपया उसका। ये आटा वाला मस्त जुगाड़ है ये वाला। आटा नहीं है बाबू, सब पापड़ी है। ऐसे भी होता है। तो इसको मिल रहा है पैसा, भंगार वाले का पैसा। और अभी निकलेगा 2-4 दिन में, जब दिवाली का सफाई होगा। ये है बहुत पैसा बटोर ली तो जा सुन, पापड़ी ले, पापड़ी भी दे रहे हैं, पापड़ी भी दे। वाह, तो इसके सोनी को पापड़ी फ्री मिल रहा है। वाह अच्छा है। कितना पैसा हो गया? 205 रुपये हो गया। क्या करेगी इसका? करूंगी क्या, काम आएगा कुछ डेकोरेशन का सामान ले लूंगी। वाह यार वाह, और देखने इतना इतना सारा सुन कपड़े फ्री में। तो देखिए दोस्तों ये मिला है इसको फ्री में, ये फ्री मिला है इसको, क्या बोलते हैं, सुन पापड़ी है, खरीदी है। कितना में खरीदी है? 15 रुपये का। इसमें एयरिंग रखूंगी, मस्त बहुत सुंदर है वाली, एक नंबर है। दोस्तों इन लोग गई है ये इसका पूरा साफ सफाई करने के लिए। देखिए आधा कल मैं किया था दोस्तों, आधा बच के चुका था, तो ये पूरा कर रही है। ये सब इधर पूरा हो चुका है। देखिए ये सब ना ज्योति कर ली थी, मैं मार्केट में चला गया था तो पूरा ये कर ली थी दोस्तों। देखिए अब इतना बचा हुआ है तो ये भी कर रही है दोनों साफ सफाई। अब थोड़ा अच्छा लगने लगा दोस्तों, पहले तो स्कूटी नहीं आता था, बस स्कूटी धीरे धीरे आने लगा है। देखिए दोस्तों बेचारी ज्योति थक गई है, अब बैठ गई है चुपचाप। कल यहाँ तक पूरा करते करते हालत खराब हो गया था। इसको ना वहाँ तक पूरा, यहाँ तक पूरा किया ना दोस्तों, यहाँ तक करते करते इसका हालत पंचर हो गया था। देखिए कितना अच्छा लग रहा है।